नमस्कार दोस्तों, आकृति चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीता जयंती वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन माता सीता का प्राकट्य हुआ था। इस दिन को जानकी जयंती, सीता नवमी या जानकी नवमी भी कहा जाता है। देवी सीता हमेशा अपने पति के प्रति धैर्य और समर्पण के लिए जानी जाती थी। सीता नवमी का पालन करने से व्यक्ति को सुखी और संतुष्ट वैवाहिक जीवन प्राप्त होने का आशीर्वाद मिलता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माता सीता का जन्मदिन भगवान राम के जन्मदिन के ठीक एक महीने बाद आता है। आइए जानते हैं माता सीता की उत्पत्ति की कथा। रामायण काल के अनुसार एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा। उस समय मिथिला के राजा जनक हुआ करते थे। वे बहुत ही पुण्य आत्मा थे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर रुचि लेते थे। ज्ञान प्राप्ति के लिए सभा में कोई ना कोई शास्त्रार्थ करवाते रहते थे और विजेताओं को गौदान भी देते थे। लेकिन इस अकाल ने उन्हें बहुत विचलित कर दिया। अपनी प्रजा को मरते देख उन्हें बहुत पीड़ा होती थी। उन्होंने ज्ञानी पंडितों को अपने महल में बुलाया और उनसे इस समस्या को हल करने के लिए कुछ उपाय बताने को कहे। सभी ने अपनी अपनी राय राजा के सामने रखी। कुल मिलाकर यह बात सामने आई कि यदि राजा जनक स्वयं हल जलाकर भूमि जोतें तो अकाल दूर हो सकता है। तब अपनी प्रजा की रक्षा के लिए राजा जनक हल उठाकर चल पड़े। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन जब राजा जनक हल जोत रहे थे, तब हल चलाते चलाते एक जगह हल अटक गया। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन हल की नोक ऐसी धसी हुई थी कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि यहाँ आसपास की जमीन की खुदाई करें और देखें कि हल की नोक कहाँ फंसी हुई है। जब सैनिकों ने खुदाई करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत ही सुंदर और बड़ा सा कलश है जिसमें हल की नोक फंसी हुई थी। जब कलश को बाहर निकाला गया तो देखा कि उसमें एक नवजात कन्या थी। धरती माता के आशीर्वाद स्वरूप राजा जनक ने इस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। बताते हैं कि उसी समय मिथिला में जोरदार बारिश हुई और राज्य का अकाल दूर हो गया। जब कन्या का नामकरण किया जाने लगा तो यह बात सामने आई कि हल्की नोक को सीता कहा जाता है और उसी के कारण यह कन्या उन्हें प्राप्त हुई थी। इसलिए उन्होंने इस कन्या का नाम सीता रखा, जिसका विवाह आगे चलकर प्रभु श्री राम से हुआ। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन सीता और राम की विधिवत पूजा करता है, उसे फल स्वरूप 16 महादानों का पुण्य, पृथ्वी दान का फल और तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। इस दिन श्री सीताय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की आयु में वृद्धि हो, ऐसी कामना लेकर माता सीता से प्रार्थना करती हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की हमारी अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आकृति पेज को लाइक करें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।